कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताने पर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, राहुल गांधी जवाब देंगे। जावड़ेकर ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, उसकी इसी गंदी सांप्रदायिक सोच ने देश को बांटा था और अब समाज को बांट रही है। जावड़ेकर ने कहा इतिहास गवाह है कि सारे बड़े दंगे कांग्रेस राज में हुए। मनमोहन का बयान याद दिलाया कि संसाधनों पर हमला पहला हक अल्पसंख्यकों का है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। जिस सभा से 2010 में पास हो चुका है महिला आरक्षण विधेयक, लेकिन लोकसभा में जारी है गतिरोध। कई पार्टियों ने खुलकर किया था विरोध। कांग्रेस ने पिछले सत्र में भी उठाया था महिला आरक्षण का मुद्दा, तब सोनिया गांधी ने लिखी थी पीएम मोदी को चिट्ठी। मॉनसून सत्र को लेकर सोनिया राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस की बैठक। गुलाम नबी आजाद ने कहा सहयोगी दलों से बात करके ही तय करेंगे मुद्दे। गुलाम नबी आजाद ने कहा महिलाओं और किसानों के मुद्दे पर गंभीर है कांग्रेस, मॉब लिंचिंग पर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दे सकती है कांग्रेस। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए शाम को होगी विपक्षी दलों की बैठक, संसद संयुक्त रणनीति पर होगी चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर और सरकार की सर्वदलीय बैठक कल। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा उम्मीद है कांग्रेस चर्चा पर जोर देगी, हंगामे पर नहीं।